मोर को दाना चुगाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों के मीडिया में आने के बाद बिहार की सियासत में भूचाल सा गया है। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करने के साथ ही उन्होंने एक कविता भी लिखी है। धीरे धीरे चुनावी रंग में रंग रहे बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोर चुगाने को लेकर आड़े हाथों लिया है। जेडीयू से आरजेडी में आए श्याम रजक ने कहा कि 2017 में जब लालू प्रसाद यादव सरकारी आवास पर दो मोरों को लाया गया था तो बीजेपी ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ के तहत लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी थी। इसी को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर डबल स्टैंडर्ड रखने का आरोप लगाया है। लेकिन मोर को खाना खिलाना जो राष्ट्रीय पक्षी है और उसको खाना खिलाना वो एक अलग बात है, लेकिन देश के हर नागरिक का दायित्व बनता है कि वो कानून का पालन करें। तो जब वन्य प्राणी सुरक्षा कानून बन चुका है, संसद से पास हो चुका है, राष्ट्रपति का दस्तखत हो चुका है, तो वो कानून है कि आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, उसको आप पाल नहीं सकते हैं। इसी पालने में तो सलमान खान जी पर कई बरस तक केस चल रहा है और चला है हिरन को, तो मोर को आप कर रहे हैं तो ये तो आप सीधा सीधा वन प्राणी सुरक्षा कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जब इस देश का प्रधानमंत्री ही इस कानून का उल्लंघन करेगा तो आम नागरिक पर क्या उसका असर पड़ेगा? खाना खिलाना है तो दूसरी तरफ देखिए कि जनता कितना खाना खा रही है। इस देश की 70% बच्चे जो हैं, जो गरीब गुरबा, वो सब बिना खाना के रात में सो जाते हैं, और जिस तरह से बेहाल है उस पर भी उनको पोस्ट करना चाहिए। 2 साल पहले यही विवाद लालू जी को लेकर भी हुआ था जब उनके घर पे मोर आया था। देखिए ना, जो भी विवाद हम कर रहे हैं कि जब कानून पास हो गया तो अब कानून का पालन करना तो देश के प्रधानमंत्री और सभी जनप्रतिनिधि या सभी नागरिकों का दायित्व बनता है। कोरोना से करा रहे बिहार के विपक्षी नेताओं को मोदी का मोर को दाना चुगाने पसंद नहीं आया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, मुझे ये फोटोग्राफिक रूप से गलत लग रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था में खून बहा रहा है। कोविड-19 के कारण लगभग 1,000 लोग मर रहे हैं और हर दिन लगभग 70,000 ताजा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे समय में पीएम ने सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की है। वो रोमन सम्राटों की तरह लोगों के दुखों पर हंस रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब सुशांत सिंह मामले को CBI ट्रांसफर करने के बाद नीतीश कुमार और बीजेपी फ्रंट फुट पर नजर आ रही थी, ऐसे में मोरों को दाना चुगाकर पीएम मोदी ने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दे दे दिए हैं। पटना से रोहित सिंह, बिहार तक।